हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है ऑल इन वन पे। गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलेजी कैसे बनती है। तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो गाइस, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देखिए, ये हमने तीन प्याज लिया है, जो बड़ा तीन प्याज है, और हमने वो लहसुन लिया है। ये देखिए, ये लहसुन लिया है हमने, और इसमें जो अदरक है ये छोटा टुकड़ा लिया है। देखिए, वो लहसुन ये अदरक लिया है हमने, और इसमें इसे पीस कर हम बारीक कर लेते हैं। साग को एक जगह मिक्स करके पीस लेते हैं गाइस, इसे अलग अलग पीसने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको मिक्सी में डालकर एक जगह ही सबको पीस लेते हैं। चलिए हम पीस के लाते हैं। तो गाइस देखिए, हमने ये मसाला पीस कर रख लिया है, और अब आपको हम बताएंगे किस तरीके से ये बनेगा। ये हमने टमाटर लिया है मीडियम साइज का, और गाइस देखिए, अब हमने लिया है ये कलेजी, ये कलेजी लिया है गाइस। और अब हम लेंगे कुकर, और गाइस इस कुकर में हम देखिए, कुकर लिया है हमने, इस कुकर में हम ये कलेजी डालेंगे। गाइस देखिए, हमने इसमें कलेजी कर लिया है कुकर में। अब हम इसमें डालेंगे ये मेथी। देखिए, मेथी है हमने जो काट के रखी है मेथी। देखिए गाइस, हम ये मेथी इसमें डाल देंगे। और गाइस इसी में हम डाल देंगे ये टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला हमने पीस के रखा है, ये मसाला। देखिए गाइस, हम ये मसाला डाल रहे हैं इसमें। देखिए गाइस, हम अब इसमें डालेंगे डेढ़ गिलास पानी। एक गिलास ये डाला हमने, और एक गिलास आधा गिलास और डालेंगे इसमें गाइस। देखिए, हमने डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है गाइस। और गाइस, हमने ये कलेजी उबाल के रखा था पहले से ही। आपको भी पहले अपनी कलेजी को उबालना होगा, और उसका पानी हमें बाहर निकालना होगा, और उसके बाद हमें इस तरीके से ये चूल्हे पे सब चीज़ एक जगह रख कर कुकर में, और उससे हम बनाएंगे। देखिए, चलिए चलते हैं, अब इसे हम बनाते हैं गाइस। तो गाइस देखिए, हमने चूल्हे पे रख दिया है, और अब हम गैस ऑन करेंगे। तो गाइस देखिए, हम इसमें नमक डालेंगे। ये नमक लिया है हमने, एक चम्मच नमक लिया है, मोटा नमक, आप पिसा हुआ डाल सकते हैं गाइस। हमने नमक इसमें उबलते टाइम भी अपनी कलेजी में डाला था, इसीलिए अब हमने थोड़ा नमक डाला है, वरना हमारे कलेजी में नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अभी इसे हम चला देंगे। देखिए, इस तरह हम चला लेंगे गाइस। देखिए, हमने ये चला दिया है, अब इसे हम ढक देंगे और इसे हम पकने देंगे गाइस, थोड़ा खद्दा लगने देंगे। और अभी और बताना है आपको कि इसमें और क्या क्या चीज़ गिरेगी गाइस। देखिए गाइस, हमारा ये एक खद्दा लग गया है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम तेल। तो गाइस देखिए, हम ये तेल डाल रहे हैं, ये हम डालेंगे इसमें डेढ़ चम्मच तेल। देखिए, हमने डेढ़ चम्मच तेल डाला है इसमें गाइस। अब और इसे पकने देंगे अच्छे से हम। और इसमें अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। देखिए गाइस, हम ये इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं इस तरह। आप भी फुल चम्मच भर के दो चम्मच हम इसमें धनिया डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मिर्च लाल पाउडर, एक चम्मच डाला है हमने। और इसमें डालेंगे गाइस हम हल्दी पाउडर। देखिए, हल्दी पाउडर डालेंगे हम चौथाई चम्मच, और इसे हम चला देंगे अब, और इसे अच्छे से हम पकने देंगे गाइस। अगर आपको तीखा अच्छा करना है तो गाइस इसमें डेढ़ चम्मच भी आप मिर्च पाउडर डाल सकते हो, लेकिन हमें ये तीखा नहीं करना है, जैसे ही रखना है। इसमें हमारी मिर्च भी डालेंगे गाइस। देखिए, हमारा ये भुन रहा है। देखिए, ये हमारा मसाला समझो भुन गया है, बस अभी थोड़ा कच्चा है, इसीलिए थोड़ी बहुत देर में भुनने वाला है। अब इसमें डालेंगे हम ये धनिया पत्ता है जो हमने काट के रखा है, और अब इसमें डालेंगे हम
थोड़ी हरी मिर्च। देखा इसे हमने हरी मिर्च काट के रखा था, ये अब हम इसमें डालेंगे और इसको हम चला देंगे एक बार फिर। और इसे अभी और रखेंगे करीबन 5 मिनट हम और, जिससे हमारे अच्छे से भुन जाएगा और इसे भुनने देंगे। देखिए चलिए हम चलते हैं और देखते हैं अपनी हंडिया को हम बनाने। देखिए गाइस हमारी कलेजी बनकर तैयार हो गई है। देखिए देखिए दिख रहा होगा आपको। और गाइस इसे अब हम उतार लेंगे। और गाइस अब हम इसमें देंगे छोंक, जो मेथी दाना होता है उसका छोंक देंगे हम। और ये रखा हमने तवा। तो गाइस देखिए हमने ये तेल लिया है और इसे होने देंगे अब हम गरम। देखिए हमारा तेल हो चुका है और अब इसमें डालेंगे हम मेथी दाना। ये देखिए हमने मेथी दाना डाल दिया है, अब ये हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे इसे। देखिए हमारा इसमें मेथी दाना हो चुका है। देखिए अब इसमें हम देंगे छोंक। देखिए गाइस हमने इसमें छोंक दे दिया है और इसे ऊपर से ढक देंगे। और ढककर अब इसे हम उतार लेंगे एक बाउल में। तो गाइस देखिए हमारी कलेजी बनकर एकदम रेडी हो गई है। देखिए हमारी कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस खाइए और टेस्ट लीजिए। गाइस वाकई में ये बहुत टेस्टी लगती है। इतनी टेस्टी ये कलेजी बनी है हमारी कि आप खाते खाते बस सोचोगे कि मैं तो ये बाउल भी चाट जाऊं। कोई तो उंगली ही चाटता है लेकिन आप सोचोगे कि मैं ये बाउल भी चाट जाऊं। सच में इतनी ये स्वादिष्ट लगती है कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती आपको, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी, प्लीज़ एक बार इसे बनाइए और खाइए और टेस्ट कीजिए और फिर हमें कमेंट में बता दीजिए आपको कैसी लगी है खाने में। तो गाइस बस आज आप इतनी ही, आज के लिए इतना ही। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।